सत श्री अकाल। दैनिक सवेरा टीवी देख रहे हो तुसी ते मैं हरमनजीत कौर। पंजाब दो मिनट तुहाडा स्वागत है। चोन कमिश्न ने जलंधर के पछमी हल्के होने वाली जिमनी चोन लई तरीक का ऐलान कर दिता है। उन्होंने दसिया कि जलंधर पछमी हल्के की जिमनी चोन लई वोटिंग 10 जुलाई में होगी। इस तो इलावा चोन कमिश्न वालों जारी किए गए शेड्यूल मुताबक 7 सूबे दियां 13 विधानसभा सीटों से वोटिंग की प्रक्रिया करवाई जाएगी। 10 जुलाई नतीजे 13 जुलाई ऐलाने जाएंगे। कंगना रनौत नाल होए थप्पड़ विवाद तो बाद कंगना दे पंजाब लई दिते बयानां ते मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा है कि जो होया ये नहीं होना चाहिदा सी, पर उसने जो किसानां खिलाफ बोलिया सी ओ कुलविंदर कौर दा गुस्सा सी, पर ये नहीं होना चाहिदा सी। मान ने कहा है कि पर कंगना वल्लों जो पंजाब विच अतवाद दी गल कही गई है, ये कहना कि पूरे पंजाब विच अतवाद फैल गया वो गलत है। जलंधर पछमी हल्के तो आम आदमी पार्टी के विधायक शीतल अंगुराल ने उप चोणों का ऐलान होंदे ही दावा किया है कि मेरे इलाके के लोग फिर तो सच और झूठ की लड़ाई लई तैयार हैं। जिमनी चोण च उन्हां दी स्थिति का पता लग जाएगा। केंद्रीय मंत्री रवनीत बिट्टू ने मंत्रिमंडल च शामिल करन लई पीएम मोदी गृह मंत्री अमित शाह का धन्यवाद किया है। कहा है कि केंद्रीय लीडरशिप ने पंजाब से भरोसा किया है और हुण समा आ गया है कि असी उन्हां दे भरोसे ते खड़े उतरीए। बिट्टू ने दावा किया है कि 2027 की विधानसभा चोण असी अपने दम ते जितांगे, पंजाब च बीजेपी का कमल ही खिलेगा। पीएम मोदी वालों तीजी बार अहुदा संभालते ही अपने पहले ही फैसले राही देश के किसानों प्रधानमंत्री सन्मान निधि की अगली किश्त जारी करने की प्रवानगी दी है। किसान हित विच ले इस फैसले लिए पंजाब भाजपा प्रधान सुनील जाखड़ ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का धन्यवाद किया ते कहा कि साड़ी सरकार किसानों की तरक्की लिए वचनबद्ध है। पखू लखोवाल वालों कंगना रनौत वालों गलत शब्दावली वरतन के कारण उसके हाथ चुकन वाली कुलविंदर कौर को शेरनी का खिताब दिया गया। उसनों पंजाब की शेरनी कह के उस नाल खड़न की गल की गई। जथेबंदियों वालों कंगना रनौत को पंजाब खिलाफ विवादित बयान ना देने की चेतावनी दी गई है। देश दुनिया की हर खबर सबसे पहले देखने के लिए फॉलो करें दैनिक सवेरा टीवी यूट्यूब फेसबुक इंस्टाग्राम एक्स और व्हाट्सएप चैनल पर।